नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कश्मीर को पाकिस्तान ने खूब मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर मुद्दा नहीं बन सका। और अब उसी कश्मीर को लेकर पाक के बड़े राजनीतिक पर्सन और पाक आर्मी दोनों कश्मीर पर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में नाकाम रहा, जबकि भारत ने इसका पूरा फायदा उठाया। रविवार को एलओसी का दौरा करने के बाद बाजवा ने कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बताया। बाजवा ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि इसकी स्थिति को चुनौती देने के किसी भी प्रयास का पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की फिराक में था। उसने कश्मीर मुद्दे को दुनिया के हर मंच पर उठाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने चीन का भी समर्थन मांगा, लेकिन वो काम नहीं आ सका। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि अभी भी रह कर पाकिस्तान के कुछ नेता गीदड़ भभकी देते ही रहते हैं। इसी कड़ी में पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी रविवार को शेखी बघारते हुए कहा था कि पाकिस्तान अपने खिलाफ किए गए भारत के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब देगा। भारत की ओर से पाक अधिकृत कश्मीर पर दावा ठोकने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी की मीटिंग में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग तक कर डाली। कुरैशी ने ईद की नमाज के बाद मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है और खुद को रोकने की उसकी नीति को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के महासचिव का ध्यान कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की ओर खींचा था, लेकिन किसी भी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया। इस तरह आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान और पाक आर्मी ने दिल से तो भारत से हार मान ली, लेकिन दिमाग से हार मानने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर दिमाग से हार मान जाएंगे तो राज कैसे करेंगे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाकर।